सब्सक्राइब कीजिए एमए क्लासेस चैनल को और बेल आइकॉन दबाइए लेटेस्ट अपडेट के लिए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एमए क्लासेस। मैं हूं सुनील कुमार, आपका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं रिंग का डेफिनेशन और उसके कुछ एग्जाम्पल मैं इसके पहले वाला वीडियो में बता चुका हूँ। आज उससे आगे बढ़ते हैं हम लोग विदाउट जीरो डिवाइजर और विथ जीरो डिवाइजर के बारे में बात करते हैं और साथ में इंटीग्रल डोमेन और फील्ड के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग जीरो डिवाइजर से। जीरो डिवाइजर क्या होता है रिंग में, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो जीरो डिवाइजर के बारे में देखिए, द नॉन जीरो एलिमेंट ए एंड बी ऑफ ए रिंग आर कॉल्ड प्रॉपर डिवाइजर्स ऑफ जीरो और जीरो डिवाइजर्स If AB equal to zero और B equal to zero। क्या करना है, कोई भी दो नॉन जीरो एलिमेंट लेना है AB। हम लोग A और B कोई भी दो नॉन जीरो एलिमेंट ले रहे हैं रिंग में R में, उस दोनों एलिमेंट को कहेंगे प्रॉपर डिवाइजर ऑफ जीरो या जीरो डिवाइजर। अगर वो दोनों का जो प्रोडक्ट है वो जीरो हो जाना चाहिए, या तो AB equal to zero या फिर B equal to zero, ये दोनों में से कोई एक चीज हो सकता है। तो ध्यान दीजिए, नॉन जीरो एलिमेंट लेना है, नॉन जीरो एलिमेंट लेना है रिंग का ए और बी, और उसका प्रोडक्ट जीरो होना चाहिए। नंबर में ऐसा पॉसिबल नहीं है दो नॉन जीरो नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद जीरो के बराबर हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन आप देखिए, मैट्रिक्स मैं एक ले रहा हूं, एक मैट्रिक्स ले रहा हूं 1 0 0 0, ये नॉन जीरो मैट्रिक्स है। दूसरा एक मैट्रिक्स मैं बी ले रहा हूं 0 0 1 1, ये भी नॉन जीरो मैट्रिक्स है। ये दोनों नॉन जीरो मैट्रिक्स है और इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं ए और बी दोनों मैट्रिक्स को, तो ए का वैल्यू मैं लिख दिया हूं, बी का भी वैल्यू लिख दिया हूं। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करने के लिए इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 को 0 से 0, 0 को 1 से 0, फिर ये रो और ये कॉलम मल्टीप्लाई होगा, तो 1 को 0 से 0, 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, ये रो और ये कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे 0 × 0 0 0 × 1 0, फिर ये रो और ये कॉलम में मल्टीप्लाई कर रहा हूं 0 × 0 0 0 × 1 0। तो ये आप ऐड करके लिख लीजिए, ये भी जीरो आ रहा है, ये भी जीरो आ रहा है, ये भी जीरो, और ये इसका भी सम जीरो। तो ये कैसा मैट्रिक्स आ गया, ये जीरो मैट्रिक्स आ गया। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि दो नॉन जीरो मैट्रिक्स, ए भी नॉन जीरो मैट्रिक्स है, बी भी नॉन जीरो मैट्रिक्स है, और दोनों का प्रोडक्ट करने पर जीरो मैट्रिक्स आ गया। इसी दोनों एलिमेंट को हम लोग कहेंगे जीरो डिवाइजर्स। यहां पर हम लोग कह सकते हैं ए एंड बी आर जीरो डिवाइजर्स। तो ध्यान दीजिएगा, जीरो डिवाइजर्स कब कहेंगे, अगर कोई दो नॉन जीरो एलिमेंट लेते हैं, ए भी नॉन जीरो और बी भी नॉन जीरो, लेकिन उसका प्रोडक्ट जो है वो जीरो के बराबर होना चाहिए, तो ऐसे ही एलिमेंट को कहेंगे जीरो डिवाइजर्स। ये रिंग में होगा, ए और बी जो है वो दोनों रिंग का मेंबर होगा। अब देखिए, आप ये जानते हैं कि आई सेट ऑफ इंटीजर्स इज ए रिंग विथ रिस्पेक्ट टू टू बाइनरी ऑपरेशन एडिशन, ऑर्डिनरी एडिशन एंड ऑर्डिनरी मल्टीप्लीकेशन। क्या यहां पर जीरो डिवाइजर्स हम लोग को मिल सकता है, क्या कोई दो नॉन जीरो इंटीजर्स मिल सकता है ताकि उसका प्रोडक्ट जो है वो जीरो के बराबर आ जाए? ऐसा कोई भी दो नॉन जीरो इंटीजर्स नहीं मिलेगा जिसका प्रोडक्ट जीरो हो। तो ऐसा कोई रिंग अगर मिल जाए जिसमें दो नॉन जीरो का प्रोडक्ट जीरो के बराबर नहीं आ रहा है, तो हम लोग ऐसे रिंग को कहेंगे रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर्स। यहां पर दो नॉन जीरो का प्रोडक्ट कभी भी जीरो के बराबर नहीं है। लेकिन मैं जो अभी बात कर रहा था इस सेट के बारे में, इस रिंग के बारे में, ए बी सी डी हम लोग एक 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स बना रहे हैं जहां पर ए बी सी डी जितना भी है वो इंटीजर्स है। तो ये जो सेट बन रहा है ये एक रिंग होता है विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन, और यहां पर दो नॉन जीरो एलिमेंट का प्रोडक्ट जीरो आ रहा है, तो ऐसे रिंग को कहते हैं रिंग विथ जीरो डिवाइजर्स। तो दो तरह का रिंग हो गया, एक रिंग हो गया
रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर्स और एक रिंग हो गया रिंग विथ जीरो डिवाइजर्स। बड़ा सिंपल है, बहुत ही आसान है कि अगर दो नॉन जीरो नंबर लेते हैं और उसका प्रोडक्ट भी नॉन जीरो अगर आता है, रिंग का कोई भी दो एलिमेंट लीजिए नॉन जीरो एलिमेंट, अगर उसका प्रोडक्ट भी नॉन जीरो आ जाए तो वैसे रिंग को कहेंगे रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर्स। और अगर कोई ऐसा दो एलिमेंट लेते हैं जो नॉन जीरो है लेकिन उसका प्रोडक्ट जीरो अगर आ रहा है तो वैसे रिंग को हम लोग कहते हैं रिंग विथ जीरो डिवाइजर्स। तो टू टाइप्स का रिंग हो गया, रिंग विथ जीरो डिवाइजर्स और रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर्स। तो ये इसका डेफिनेशन हम लोग देखते हैं, रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर्स। रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर्स क्या होता है? ये रिंग आर इज सेट टू बी विदाउट जीरो डिवाइजर्स इफ प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ आर इज नॉट जीरो। दो नॉन जीरो एलिमेंट का प्रोडक्ट अगर जीरो के बराबर नहीं हो तो वैसे रिंग को कहेंगे रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर्स। और अगर कोई ऐसा दो एलिमेंट मिल जाए नॉन जीरो एलिमेंट जिसका प्रोडक्ट जीरो हो जाए तो उसको कहेंगे रिंग विथ जीरो डिवाइजर्स। तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग नॉन जीरो नंबर लेते हैं और उसका प्रोडक्ट भी जो है वो भी नॉन जीरो आना चाहिए रिंग में, तो ऐसे रिंग को कहेंगे रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर्स। आप इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं कि अगर प्रोडक्ट जीरो है, इफ ए बी इज इक्वल टू जीरो वेयर ए एंड बी बिलोंग्स टू आर, रिंग का कोई भी दो मेंबर ले रहे हैं और उसका अगर प्रोडक्ट जीरो है तो या तो फर्स्ट एलिमेंट जीरो होगा या सेकेंड एलिमेंट जीरो होगा या दोनों जीरो हो सकता है। अगर ऐसा मिल जाए रिंग तो उस रिंग को कहेंगे रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर्स। और अगर ऐसा मिले कि ए भी नॉन जीरो नंबर है बी भी नॉन जीरो नंबर है लेकिन उसका जो प्रोडक्ट है ए इंटू बी वो अगर जीरो आ जाए तो ऐसे रिंग को हम लोग कहते हैं रिंग विथ जीरो डिवाइजर्स। इस तरीके को कहते हैं रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर्स और इसको कहते हैं रिंग विथ जीरो डिवाइजर्स। देखिए रिंग के बारे में मैं एक वीडियो अपलोड कर चुका हूं, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे देता हूं, आप उसको देख सकते हैं। कम्यूटेटिव रिंग क्या होता है, यूनिट एलिमेंट क्या होता है, उसके बारे में आप समझ सकते हैं वहां से। और अब यहां पर इंटीग्रल डोमेन के बारे में लिखिए कि इंटीग्रल डोमेन क्या है। एक रिंग मैं ले रहा हूं आर और उस रिंग में तीन कंडीशन अप्लाई कर रहा हूं, कम्यूटेटिव रिंग है, यूनिट एलिमेंट है और विदाउट जीरो डिवाइजर्स है। अगर ऐसा कोई रिंग मिल जाए तो देन दैट रिंग इज कॉल्ड इंटीग्रल डोमेन। तो इंटीग्रल डोमेन के लिए सबसे पहला तो रिंग होना चाहिए और रिंग के लिए 8 कंडीशंस है और उसके अलावा हम लोग 3 कंडीशंस और अप्लाई कर रहे हैं तो टोटल 11 कंडीशंस। अगर 11 कंडीशंस किसी अल्जेब्रिक स्ट्रक्चर में सेटिस्फाई होता है तो देन दैट अल्जेब्रिक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड इंटीग्रल डोमेन। हालांकि एक चीज का ध्यान रखिएगा, कुछ ऑथर्स जो है वो सेकेंड कंडीशन को नहीं लिया है, सिर्फ यही दो कंडीशन को लिया है। तो कुछ बुक में आपको मिलेगा सिर्फ ये दो कंडीशन लेकिन कुछ बुक में ये तीनों कंडीशन भी मिलेगा। तो आप ये समझिए कि इंटीग्रल डोमेन जो है उसमें कौन कौन सा कंडीशन है। सबसे पहला रिंग होना चाहिए, हम लोग जो आर ले रहे हैं वो रिंग होना चाहिए। तो रिंग होने के लिए एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर लेना पड़ेगा और अल्जेब्रिक स्ट्रक्चर में दो बाइनरी ऑपरेशन है, प्लस और मल्टीप्लिकेशन। और रिंग होने के लिए इसमें से टोटल 8 कंडीशंस होता है। फर्स्ट कंडीशन है क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन के रिस्पेक्ट में। एडिशन के रिस्पेक्ट में यहाँ पर 5 कंडीशंस होता है। ये जो एडिशन है एडिशन के रिस्पेक्ट में अगर देखें तो 5 कंडीशंस होता है। सबसे पहला क्लोजर प्रॉपर्टी, सेकेंड कंडीशन है एसोसिएटिविटी एडिशन के रिस्पेक्ट में, और थर्ड कंडीशन है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, फोर्थ कंडीशन है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एडिशन के रिस्पेक्ट में, फिफ्थ कंडीशन है कम्यूटेटिविटी एडिशन के रिस्पेक्ट में, कम्यूटेटिविटी। तो ये 5 कंडीशन हुआ एडिशन के रिस्पेक्ट। मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में 2 कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, फर्स्ट क्लोजर प्रॉपर्टी और सेकेंड जो है वो एसोसिएटिविटी। अब फिर एक और कंडीशन है 8th कंडीशन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ।
डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ सेटिस्फाई होना चाहिए, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो ये 8 कंडीशंस अगर सेटिस्फाई हो रहा है किसी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर में तो उसको रिंग कहते हैं। और इसके अलावा हम लोग और कौन सा कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं, 2-3 कंडीशंस और अप्लाई कर रहे हैं, वो कम्यूटेटिव होना चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। यानी कि नेक्स्ट कंडीशन हो गया a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए, और उसके अलावा फिर नेक्स्ट है यूनिट एलिमेंट होना चाहिए। तो यूनिट एलिमेंट मीन्स 1.a इज इक्वल टू a इज इक्वल टू a डॉट 1। और तीसरा जो है नेक्स्ट कंडीशन है विदाउट जीरो डिवाइजर्स। विदाउट जीरो डिवाइजर्स मीन्स अगर a b इज इक्वल टू जीरो है तो या तो a इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए या b इक्वल टू जीरो होना चाहिए या a इक्वल टू जीरो एंड b इक्वल टू जीरो होना चाहिए। अगर ये सारे कंडीशंस टोटल 11 कंडीशंस को अलजेब्रिक स्ट्रक्चर सेटिस्फाई कर रहा है तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, इंटीग्रल डोमेन कहेंगे। तो इंटीग्रल डोमेन का मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। देखिए मैं एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर ले रहा हूं i प्लस r डॉट, सेट ऑफ इंटीजर्स i, एडिशन या ऑर्डिनरी एडिशन और ऑर्डिनरी मल्टीप्लीकेशन, दो बाइनरी ऑपरेशन लेंगे सेट ऑफ इंटीजर्स में। अब देखिए ये इंटीग्रल डोमेन होगा, क्यों इंटीग्रल डोमेन होगा, ये क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। दो इंटीजर्स का जो सम होता है वो भी एक इंटीजर्स ही होता है, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आई, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रहा है। एसोसिएटिव होता है, एडिशन का टू इंटीजर्स का एडिशन जो होता है वो एसोसिएटिव होता है। ए प्लस बी को एक ब्रैकेट में रखिए या फिर बी प्लस सी को एक ब्रैकेट में रखिए, दोनों इक्वल होगा। एडजस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी भी एडजस्ट करता है, जीरो प्लस ए इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू ए प्लस जीरो। फिर एडजस्टेंस ऑफ इनवर्स, एडिटिव इनवर्स भी एडजस्ट करता है, ए प्लस माइनस ए इज इक्वल टू जीरो इज इक्वल टू माइनस ए प्लस ए। यहाँ पर अगर ये कोई भी इंटीजर लेते हैं तो माइनस ए भी एक इंटीजर होता है ताकि दोनों का सम जो है वो जीरो के बराबर हो जाए। तो एडजस्टेंस ऑफ इनवर्स भी एडजस्ट कर रहा है, कम्यूटेटिव भी है, एडिशन के रिस्पेक्ट में इंटीजर्स का जो इंटीजर्स होता है वो कम्यूटेटिव होता है। ए प्लस बी लिखिए या बी प्लस ए लिखिए, ये दोनों इक्वल होता है, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आई। तो ये 5 कंडीशंस जो है वो एडिशन के रिस्पेक्ट में सेटिस्फाई हो रहा है, मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होता है, कोई भी दो इंटीजर्स का प्रोडक्ट आप ले लीजिए तो वो भी एक इंटीजर्स ही होगा, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आई। फिर एसोसिएटिव लॉ भी सेटिस्फाई है मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में, ए डॉट बी डॉट सी इज इक्वल टू ए डॉट बी डॉट सी। और फिर नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी सेटिस्फाई है, ए डॉट बी प्लस सी इज इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव हो गया। या राइट डिस्ट्रीब्यूटिव, बी प्लस सी डॉट ए इज इक्वल टू बी डॉट ए प्लस सी डॉट ए। तो ये टोटल 8 कंडीशन जो रिंग का है वो तो सेटिस्फाई हो ही रहा है, इसके अलावा हम लोग 3 कंडीशंस और देखते हैं। 3 कंडीशंस क्या है, ये जो कम्यूटेटिविटी है मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में, या यूनिट एलिमेंट है, या फिर विदाउट जीरो डिवाइजर्स है, ये भी 3 सेटिस्फाई होगा। कैसे, जरा इसके बारे में देखिए। हम लोग ये भी जानते हैं कि अगर कोई भी दो इंटीजर लेते हैं तो दोनों इंटीजर्स का प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई करता है, ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आई। तो इसका मतलब ये कम्यूटेटिव रिंग हो गया। इसमें इंटीजर्स 1 होता है, 1 यहाँ पर एक इंटीजर होता है, और ऐसा होता है सच दैट 1 को किसी भी इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई कीजिए तो वही आएगा, या 1.a इज इक्वल टू ए या ए डॉट ए इज इक्वल टू 1। तो 1 यहाँ पर यूनिट एलिमेंट का काम कर रहा है। और कोई भी दो नॉन जीरो नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, दो नॉन जीरो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका प्रोडक्ट भी जो है वो नॉन जीरो इंटीजर्स ही आएगा। तो इसका मतलब विदाउट जीरो डिवाइजर्स हो गया। तो टोटल 8 कंडीशंस यहाँ पर सेटिस्फाई हो रहा है रिंग के लिए, और 3 कंडीशंस, एक एडिशनल 3 कंडीशंस सेटिस्फाई हो रहा है, कम्यूटेटिव रिंग हो गया, यूनिट एलिमेंट हो गया, विदाउट जीरो डिवाइजर्स हो गया। तो ये टोटल 11 कंडीशंस अगर किसी भी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर में सेटिस्फाई करता है तो वैसे को हम लोग कहते हैं इंटीग्रल डोमेन, यानी कि आई प्लस डॉट एक इंटीग्रल डोमेन हो गया। आप देख सकते हैं, खुद ट्राई कर सकते हैं, आर सेट ऑफ रियल नंबर्स,
एडिशन और मल्टीप्लीकेशन यहां पर हम लोग लेते हैं तो ये भी एक इंटीग्रल डोमेन होगा। अब हम लोग एक फील्ड के बारे में बात कर रहे हैं। फील्ड क्या होता है? हम लोग एक रिंग ले रहे हैं, ये रिंग R इज कॉल्ड फील्ड। इसी रिंग को फील्ड कहेंगे, उसमें और कुछ एडिशनल कंडीशन हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। सबसे पहला, वो रिंग होना चाहिए कम्यूटेटिव। सेकेंड, उसमें यूनिटी एलिमेंट होना चाहिए, यूनिट एलिमेंट होना चाहिए, यूनिटी होना चाहिए। और थर्ड कंडीशन है कि इस रिंग में जो भी नॉन जीरो एलिमेंट है, एवरी नॉन जीरो एलिमेंट हैज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इन आर। तो प्रत्येक नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी इसमें एग्जिस्ट करना चाहिए। अगर ये तीन कंडीशन और सेटिस्फाई करे कोई रिंग, देन दैट रिंग इज कॉल्ड फील्ड। तो देखिए, फील्ड और इंटीग्रल डोमेन में क्या डिफरेंस है? फील्ड और इंटीग्रल डोमेन में यहां तक जो कंडीशन है वो सेम, रिंग होना चाहिए, कम्यूटेटिव होना चाहिए, यूनिट एलिमेंट होना चाहिए। थर्ड कंडीशन यहां पर जो है वो डिफरेंट है, उसमें विदाउट जीरो डिवाइजर्स था इंटीग्रल डोमेन में, और फील्ड में क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। तो अब ये समझिए कि फील्ड किसको कहेंगे। जरा यहां आर प्लस और डॉट सपोज कीजिए, एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है, ये रिंग है सबसे पहले, तो रिंग है तो वहां पर एक कंडीशन सेटिस्फाई हुआ, और साथ में कम्यूटेटिव रिंग होना चाहिए। तो कम्यूटेटिव मतलब ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए। मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में कम्यूटेटिव होना चाहिए, उसमें यूनिट एलिमेंट होना चाहिए। तो देयर एग्जिस्ट वन बिलोंग्स टू आर सच दैट वन इंटू ए इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू ए इंटू वन। तो यूनिट एलिमेंट भी उसमें एडजस्ट करना चाहिए, और एक एक्स्ट्रा कंडीशन ये भी है कि उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी एडजस्ट करना चाहिए। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नॉन जीरो एलिमेंट का क्या होता है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, अगर एक कोई भी रिंग का मेंबर लेते हैं तो उसके करिस्पॉन्डिंग एक एलिमेंट और मिलना चाहिए यहाँ पर बी, और ऐसा मिलना चाहिए ताकि दोनों का प्रोडक्ट वन के बराबर हो जाए। ए डॉट बी इज इक्वल टू बी वन और बी डॉट ए इज इक्वल टू वन। तो इस b को कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ a, b इज इक्वल टू मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ a। तो ये रिंग के एट कंडीशंस के अलावा थ्री कंडीशंस और अगर सेटिस्फाई कर रहा है कोई एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर में, तो उसी को हम लोग कहते हैं फील्ड। तो ये देखते हैं कि i प्लस और डॉट सेट ऑफ इंटीजर्स, ऑर्डिनरी एडिशन, ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन, ये एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर लिए हैं, और ये एक फील्ड होगा या नहीं। एक्चुअली ये तो रिंग है, कम्यूटेटिव रिंग है, विथ यूनिट एलिमेंट है, लेकिन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है या नहीं चेक करते हैं। अब ये 2 इसका एक इंटीजर्स है, नॉन जीरो इंटीजर्स। 2 को एक ऐसे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है ताकि उसका प्रोडक्ट 1 आ जाए। तो क्या कोई ऐसा इंटीजर्स मिलेगा जिसको 2 से मल्टीप्लाई करने पर 1 आ जाए? ऐसा कोई इंटीजर्स नहीं मिलेगा। 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करने पर 1 आएगा? 1/2 के साथ। ये जो 1/2 है वो i का मेंबर नहीं है, तो इसका मतलब 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इसीलिए ये एक फील्ड नहीं होगा। लेकिन अगर हम लोग इसको देखें, देखिए r प्लस सेट ऑफ रियल नंबर्स ले रहे हैं, ऑर्डिनरी एडिशन, ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन ले रहे हैं, ये एक फील्ड हो जाएगा, क्योंकि ये कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिट एलिमेंट होता है, और साथ में यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है। 2 इसका एक मेंबर है रियल नंबर का, और 1/2 भी इसका एक मेंबर है, ये भी एक रियल नंबर है, और दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 1 के बराबर आ रहा है, या फिर 1/2 और 2 को मल्टीप्लाई करने पर भी 1 आ रहा है। तो एक नॉन जीरो एलिमेंट अगर लेते हैं तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है, इसीलिए फील्ड होगा। हम लोग सिर्फ 2 नहीं बल्कि यहाँ पर इसकी जगह कोई भी रियल नंबर ले लीजिए, अगर हम लोग कोई भी रियल नंबर, नॉन जीरो रियल नंबर लेते हैं तो उसके करिस्पॉन्डिंग 1/a मिल जाएगा, और ये जो दोनों का प्रोडक्ट है, दोनों का प्रोडक्ट 1 के बराबर आ जाएगा। तो इसका मतलब इसके प्रत्येक नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, इसीलिए ये रिंग भी हो गया, यूनिट एलिमेंट हो गया, कम्यूटेटिव रिंग है, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी है नॉन जीरो एलिमेंट का, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, एक फील्ड हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं रिंग के बारे में और आगे बात करूंगा। आप एमए क्लासेस यूट्यूब चैनल आप देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।